बंसी। क्या बात है मालिक? बंसी, मैं पूछता हूँ वो रात रात भर कहाँ गायब रहता है? अरे मालिक, वो तो आज भी कहीं म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए हैं। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, संगीत सम्मेलन, गाना बजाना, भगवान जाने उसे कब होश आएगा। क्या बोलूं मालिक, छोटे सरकार की आदत तो बहुत ही खराब हो गई है। आदत बहुत अच्छी है सरकार, मुझे तो छोटे सरकार में कोई ऐब दिखाई नहीं देता। अरे कभी आदत अच्छी कभी आदत बुरी, तू पागल तो नहीं हो गया? मैं उसे सरकारी नौकरी दिलाना चाहता हूँ और वो गाने बजाने में वक्त बर्बाद कर रहा है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं मालिक, ये बात तो बहुत बड़ी है। अच्छी है, अच्छी है सरकार, बहुत अच्छी है। अबे क्या बकता है, मैं कुछ चाहता हूँ वो कुछ चाहता है, क्या यही होना चाहिए? नहीं मालिक, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सरकार, बिल्कुल होना चाहिए। आज तेरा सर तो नहीं फिर गया? सर नहीं फिरा मालिक, समय फिर गया है बस, और कुछ नहीं कह सकता। अबे तूने सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया? मैं और सिगरेट? सरकार नहीं नहीं। ओ जूते तो पहन लो। अशोक, मैं 18 साल से तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, तुम मेरी खिदमत कब करोगे बेटा? मुझे खुद भी इसका ख्याल है पिताजी, लेकिन क्या करूँ, कॉलेज में डिग्रियाँ मिलती है नौकरी नहीं मिलती। अब आपके कहने से पोस्टमास्टर जनरल को भी दरख्वास्त की, कई महीने ट्रेनिंग में भी जाया किए, नौकरी नहीं मिलती पिताजी, तो अब क्या करूँ मैं? तुम्हारी नौकरी ठीक हो गई है, ये लो, तुम्हें काली पोस्टमास्टर बनकर मधुबन जाना है। मधुबन? हाँ, वहाँ मेरे एक बहुत पुराने दोस्त भी रहते हैं, बाबू जमनादास, चिट्ठी लेते जाना, किसी बात की तकलीफ ना होगी। जामू कागा पर जो पी कसंदे था लाए बचपन याद।
अरे तू खेल कूद ही में लगी रहेगी या कोई काम वाम भी करेगी? करूंगी बाबू, करूंगी। आज अपने नायक बाबू आने वाले हैं, मैं उनको स्टेशन लेने जा रहा हूँ। तू जरा क्वार्टर की जाके साफ सफाई कर दे। हो, तुम जाओ, मैं क्वार्टर को दुल्हन बना दूंगी, दुल्हन। बाबू शरीर है। वो रहा पोस्ट ऑफिस, अब ये रहा आपका क्वार्टर। आप मेरा मतलब है हमारे मैं एक मुसाफिर। क्या मुसाफिर? मुसाफिर मुसाफिर हो तो कहीं और जाओ बाबा, ये डाकघर धर्मशाला नहीं, क्या समझे? तो क्या हुआ? अरे रात भर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो सुबह अपने नाश्ता वाश्ता करके इत्मीनान से आने चले जाऊँ। और क्या, बड़े एरियल मालूम होते हो जी, कह जो दिया ये धर्मशाला नहीं है। ए, ए, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, रास्ता ना पकड़ो, आज हमारे नए डाक बाबू आने वाले। आने तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम आराम से पलंग पे सो रहे हैं, डाक बाबू यहीं कहीं चटाई वटाई डाल के पढ़ रहे हैं। डाक बाबू को क्या? अच्छा हाँ, और क्या, मुंह देखा है अपना? हाँ देखा है। ये पलंग पर सोएंगे और डाक बाबू चटाई पर सोएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ मैं अभी बता दूँ। बेला। हाँ बाबू। आप हमारे नए डाक बाबू है ना? बात तो कुछ ऐसी है साहब, न जाने पगली को कब समझ आएगी। हाथ जोड़कर माफी मांग बाबूजी से, वो तो अभी बक्से में बंद कर देंगे। शरीर कहीं की, ये मेरी लड़की है बाबूजी, जरा मिजाज की तेज है। बेला जी, तू जल्दी से जाके चाय ले आ बाबूजी के लिए। चलिए बाबू हैं, चलिए। न जाने क्या खाती है, मेरे तो इंजर पिंजर ढीले कर दिए। अरे वाह, तो लाज साहब बनी रास्ते में क्यों खड़ी थी? क्यों, आज कोई नई बात? अन्हा, आज हमारे नए डाक बाबू आए हैं ना। आए हैं तो तुझे क्या, इतनी बड़ी तो दाढ़ी होगी उनकी। चुप, दाढ़ी नहीं, उनका चेहरा तो गांव के घी से भी ज्यादा चिकना है। तो बड़ी बड़ी मूछें होंगी। वो मूछों का गुच्छा नहीं रखते, चलो उनके लिए जल्दी से चाय बना ले। ओ मोहिनी का अम्मी सुभद्रा, चलो सब। ए मोहिनी, तू जल्दी से जाके बकरी का दूध निकाल। हाँ जल्दी जा, और ओ तुम्हारा की बच्ची जल्दी जाके गुड़ की भेड़ी निकाल। जाओ ना जल्दी, तुम जल्दी से जाके पानी गर्म कर, जाओ जल्दी कर, और तुम लोग सब मेरे साथ। अरे दूध डाल जल्दी, और तू चाय चंपा मुंह खड़ी के। काका, अरे ये सारा राशन मेरे लिए है, पूरे गांव के लिए। ज्यादा थोड़ी है बाबूजी, जब हम लोग जवान थे तो इतना एक गाल में दबा लेते थे। वो जमाना और था काका, आजकल तो आदमी मोम के और मैदा कागज का बनने लगा। अरे खा जाओ बाबूजी, पेट में पड़ा गुण ही करेगा। बेला तू जाकर बाबूजी के लिए रसोई तैयार कर, न जाने घर का खाना कब खाया होगा। ये तुम लोग मेरे खाने पीने की मुसीबत कब तक उठाओगे काका? किसी रसोईया को बुला लो, मैं तुम लोगों को ये तकलीफ देना नहीं चाहता। तकलीफ काहे की मालिक, ये तो हमारा आसरा है, आपका खाना पकेगा तो हम लोग भी पेट भर खा लेंगे। क्यों, क्या तुम लोग पेट भर खाना नहीं खाते? कहाँ से खाएंगे मालिक, थोड़ी तनख्वाह, जवान लड़की घर में बैठी है, ना जाने ये बोझ कैसे उतरेगा। बेला की शादी नहीं हुई अभी तक काका? कैसे हो सकती है, शहर का रोग यहाँ भी पहुँच गया है, लोग लड़की बाद में जेवर पहले मांगते हैं। बुरा नहीं काका,
बेला की शादी में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेला को बड़ी धूमधाम से ब्याहूंगा। भगवान आपको सुखी रखे बाबूजी। बेला जरा अलग है, कुछ भूल चूक कर बैठे तो ख्याल ना कीजिएगा। तुम्हारी लड़की मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसकी हर बात अच्छी मालूम होती। बेला बापू, इतना बोझ ना डाला कर, गर्दन टूट जाएगी किसी दिन। बहुत भारी लगती हूँ बापू। अरे पगली, बेटी के बोझ से तो पत्थर भी लचक जाता है, और मैं तो आदमी हूँ। अच्छा हुआ भगवान ने इस बोझ का उतारने वाला भेज दिया। कौन आया है भला? अरे वो अपने डाक बाबू। क्या कहते हैं वो? कहते हैं तुम्हारी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उसकी हर बात बुरी मालूम होती है। ओ, और ये किस लिए कह रहे थे कि तुम्हारी लड़की मुझे बहुत पसंद है, उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती है। अपने मतलब की बात सुन ही लेती है। जा जा पानी ले आ जल्दी से। जा। बहु शरीर है। एक बात तो बता, अगर कोई किसी के बाप से कहे कि मुझे तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि खरीदार आ गए, अब हीरा बिकने वाला है। मैं तो पहले ही कहती थी कि इन नैनों की बांह से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। बेचारा कल आया और आज ही ढेर हो गए, जब देखो छेड़ा करती है। तुम्हारा भी संजोग आने दो, फिर बताऊंगी। पंछी बन में पिया पिया गाने लगा, पंछी बन में सखी हाथों से होए सखी हाथों से, सखी हाथों से दिल मेरा जाने लगा। पंछी बन में पिया पिया गाने लगा, पंछी बन में
अच्छा बाबूजी, मैं जरा चिट्ठियां बांटा हूं। अच्छा। मैं अंदर आ सकता हूं? उफ, आज बड़ी गर्मी है। मैं बैठ सकता हूं? क्या हुक्म है साहब? बताता हूं, ये पंखा नहीं चल सकता। ये पंखा ले। सकता हूं? ये रही रसीद। अजय हजरत, ये जुल्लाब का रुस्वा कहां से उठा लाया? ये देखिए क्या है, फटकड़ी क्या लिखा है। हाँ जी, लीजिए। आप जब तक पार्सल निकाल दीजिए, मैं एक अकेला खा लू। बड़ी अच्छी चीज है, नहीं तो हल्का रहता है। ये लीजिए, ये अच्छा। हाँ, ये है आपका पास भाई। यहाँ सैकड़ों डाक बाबू आए, मगर ये बात कहा भाई, बहुत रसी करो। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। ये दो भी ठिकाने लगा दीजिए ना। बस नहीं लगा दीजिए, बस नहीं ले लीजिए। बस बस हजरत। ओ हजरत, डालडा का पार्सल ले आया भैया। डालडा का नहीं मुंशी जी, इसमें सेंध की शीशियां हैं, लाइए। हैं? सारी शीशियां चूर कर दी, तमाम सामान बर्बाद कर दिया। मगर मुंशी बेचारा क्या करे, नए नए रंगरूट पोस्ट मास्टर बनकर आ जाते हैं, तोड़ फोड़ कर मेरे हवाले कर दिया। अरे वाह, तो क्या आपने नहीं तोड़ाई थी? कैसी बात करती हो बिटिया, तुम्हारे शौक की चीज और मैं तोड़ू? अच्छी बात है, आप पार्सल लेकर मेरे साथ चलिए, मैं अभी बताती हूँ उसे। जी मैं अभी आया, मैं अभी आया। मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी। अंधे हो गए हो, दिखाई भी नहीं देता। अंधी तो तुम हो, जानती हो मुंशी जला मरा आ रहा है, फिर भी रास्ता रोके खड़ी हो। अरे अरे, मारेगी क्या? सच सच बताओ कि ये खुशबू किस मासी के यहाँ से लगाकर आए हो? ये यूं ही जरा। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे रंग ढंग देख रही हूँ, बुढ़ापे में नीयत खराब हो गई है तुम्हारी। मुंशी जी, आज मुंशी जिंदा नहीं बचेगा। क्यों, क्या बात है? बिटिया की एक सहेली ने मुझे सुरमा लगाते देख लिया है, जहर खाने के लिए तैयार हो गई है। कोई आए तो कह देना कि मैं बीमार हूँ। ओ मिस्टर। हाँ जी। अरे क्या पोस्ट ऑफिस में इसी तरह काम होते? क्या हुआ साहब? अरे ये पार्सल तो मैंने बिल्कुल अच्छी हालत में आपके आदमी के हवाले किया था। आप झूठ बोलते हैं। देखिए आप मेरे इंसल्ट कर रही हैं। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपको पहचानने की ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं समझता। लेकिन आपने मेरा कीमती सामान तोड़ दिया। तो आप पोस्ट ऑफिस पर अपने नुकसान का दावा कर सकती हैं। अच्छी बात है, देख लूंगी। सचिन भाई जी, हाँ चलिए। रास्ता उधर है जी। मैंने पहले कहा था रास्ता। हाँ मिस्टर पार्टनर, देख लेंगे।
बाबा ये डाकघर है, यहाँ तो सभी लोग आ सकते हैं। दुनिया आए मगर इनको यहाँ नहीं आना चाहिए, इनका दिल नहीं पत्थर है। वो तुझे कैसे मालूम है? अरे वाह, मैं क्या नहीं जानती, जब से हवा गाड़ी लेकर आई है आपे में नहीं रखी। चार दिन हुए नत्थू के बछड़े को मार डाला। नत्थू के बछड़े? हाँ, और कल गरीबन की बकरी ले मरी। इनके सपाटे में जो आता है पानी नहीं मांगता। तू फिक्र मत कर बाबा, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, मैं सब कर लूंगा, अब तुम जाओ। तुम जानो। ठीक ठीक बताओ कि ये रोज रोज खुशबू कहाँ से लगा कर आते हैं? रोज? अरे 12 वर्ष पर आज तो अपने दिन फिरे हैं, हमेशा तो पुराने बकरे की तरह महकता था। हाय हाय, जवान लड़की घर में बैठी है और खुद पराया घर ताकते फिरते हो, किसी दिन पकड़े गए तो चौराहे पर पटके जाओगे। पहले मेरी टुन टुन का ब्याह कर दो, फूल जैसी बच्ची सूखी जा रही है। अरे भाई उषा। जी पिताजी। तुम्हारी सालगिरह को 3 दिन बाकी रह गए हैं और विनोद बाबू को अभी तक इत्तला नहीं गई। मेरी तरफ से तार दे आओ, बेचारे को आने में भी तो देर लगेगी। अब तो वक्त नहीं रहा, कल भेज दूंगी। अजीब लड़की है, इसे किसी बात की परवाह नहीं। हुजूर लड़कियां सभी अजीब होती हैं, मेरी टुनटुन भी किसी बात की परवाह नहीं करती। मैं पहले ही कहती थी ना, इनकी मोटर की झपेट बहुत बुरी है, आप न बचाते। बेला प्लीज जरा काम करने दो ना। मैं काम करने से थोड़ी रोकती हूँ, बस उषा रानी से बचे रहना, एक पल में लोगों की दुनिया उजाड़ देती है। ठीक से देखिए, 1 रुपया 10 आने बनते हैं। ठीक से देख चुका हूँ, 1 रुपया 14 आने बनते हैं। देखिए लिखने को एडवांस तो आप एक जगह लिखते, लेकिन एडवांस के 2 शब्द होते हैं और ये विनोद बाबू के भी 2 शब्द। आपकी दुआ से मैंने मैट्रिक पास किया है। यहाँ भी बीए से कम नहीं है साहब। अच्छी बात है, ये लीजिए नोट। लीजिए ध्वनी मैम साहब। अरे मैडम ध्वनी, ओ चलिए। बेला, ए बेला, ये मेम साहब जो बाहर गई है ना अभी, उनको ये ध्वनि दिया जाए। अपनी ध्वनि लीजिए। ओ तू रख ले। जमुना दास, जमुना महल, मधुबन। अशोक तुम इतने बड़े हो गए। अरे भाई ताज्जुब की बात है, कब के आए हुए, तुम आज मिलने आए हो? माफी चाहता हूँ, कुछ काम में उलझ गया था। बैठो बैठो। अब घर बनने की कोशिश ना करना, परसों उषा की सालगिरह है, ऐसा ना हो कि तुम आना भूल जाओ। अच्छा कौन? अशोक बाबू, आइए आइए। अरे भाई अशोक बाबू को अंदर ले चलो। रास्ते में कुछ मांगने बैठना, तुम्हारी आदत बुरी है। आइए आइए, नमस्ते। ओ, 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 नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते।
सालगिरह है, जल्दी में जो कुछ हो सका वो कर लिया है। अब आप आगे चले जाइए, मुझे काम बहुत है, मैं अभी हाजिर हूँ। हाजिर हुआ अभी आप भी। आप कैसे आ गए? आप कैसे आ गए? पहले आप बताइए। हमें तो जमींदार साहब ने बुलाया। आपको? जिसने आपको बुलाया है उसी ने मुझको भी बुलाया होगा। तशरीफ रखिए। रखते हैं। कल पार्सल तोड़ दिया था, आज बर्तन ना तोड़ दीजिएगा, चीनी के मंगवाए गए हैं। आपने शायद चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाया। मेरा मतलब है कि आपको शीशा तोड़ने की आदत है। टूटने वाली चीज टूट कर ही रहती है। मालूम होता आप मेरे साथ बैठने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। माफ कीजिएगा, मैं इसको अपनी इज्जत भी नहीं समझता। अरे तुमने अशोक बाबू को नहीं पहचाना? इनके पिता और हम एक साथ पढ़ते थे। ये है मेरी बेटी उषा। जी आइए आइए आइए। आपने पहले तो कुछ नहीं बताया था। अब भी समझे तो बहुत है, जहाँ से जागे वहीं से सवेरा समझिए। हाँ। नमस्ते विनोद, तुम आ गए? तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। माफ कीजिएगा, गाड़ी लेट थी इसलिए पहुँचने में ज्यादा देर हो गई। अशोक बाबू से नहीं मिले? ये भी तुम्हारी तरह मेरे करीबी दोस्त के सपूत है। आज तुम लोगों को एक जगह देखकर मुझे अपना पुराना जमाना याद आ रहा। एक एक से पूछिए, खाना अभी कोई नहीं खाएगा। सबकी यही ख्वाहिश है कि उषा रानी पहले एक गाना सुना दे। गाना क्या उठा लाया? पियानो बहुत भारी था। हारमोनियम उठा लाया हूँ हुजूर। कहाँ रखूँ उषा रानी? इस वक्त मुझसे ना गाया जाएगा। बेटा यहाँ कौन सा कलाकार बैठा हुआ है जो शर्मा रही हो? तुम जो कुछ भी गा दोगे इन बेचारों के लिए वही बहुत है। चलो चलो। माफी चाहती हूँ, आज मेरी आवाज ठीक नहीं है। आज आप मित्रों का मन प्रसन्न करने के लिए अपने अपने अशोक बाबू गाना सुनाई। अजी शर्माने की क्या बात है, जो कुछ आता है वही सुना दीजिए। बेटा हम लोगों का दिल खुश हो जाएगा। चलो चलो चलो, शाम शाम। हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा दे ते हैं। हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा दे ते हैं। जिंदगी भर के लिए जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। जिंदगी हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। खूब करते हैं ये बीमार मोहब्बत का इलाज। खूब करते हैं ये बीमारे मोहब्बत का इलाज। दर्द बढ़ता ही रहे दर्द बढ़ता ही रहे ऐसी दवा देते हैं। जिंदगी हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं।
हाय कुछ इनकी मोहब्बत का भरोसा ही नहीं हाय कुछ इनकी मोहब्बत का भरोसा ही नहीं पहले दिल लेते हैं फिर पहले दिल लेते हैं फिर दिल से भुला देते हैं जिंदगी हाय जिंदगी भर के लिए रोब लगा देते हैं दिल लगाए ना जमाने में हसीनों कोई दिल लगाए ना जमाने में हसीनों से कोई लोग कहते हैं कि ये दिल के दगा देते हैं जिंदगी हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा दे बहुत अच्छा गाते हैं आपका गाना जादू से कम नहीं है गाता क्या हूं रो लेता हूं किसी तरह यही रोना मुझे भी सिखा दीजिए क्या मैं भी इसी अंदाज में रो सकूंगी भाई क्या बात है मैंने तो मजाक किया था मगर आप तो सचमुच ही जादूगर निकले अशोक बाबू उषा को गाना सिखाने के लिए आपको थोड़ा वक्त निकालना ही पड़ेगा और शाम को चाय भी रोज यही पीनी पड़ेगी कुछ मेरा भी हक है मैं सबको अपना फर्ज समझ कर अदा करूंगा आप आ गए खाना ठंडा हो गया होगा मैं गर्म कर रहा हूँ नहीं बेला मैं खाना नहीं खाऊंगा आज बड़ी हवेली में मेरी दावत है जमींदार साहब और उनकी बेटी ने बड़े शौक से खाने खिलाए थक गया बेला जी बाबूजी आ गए आ गए बाबू खाना खा लिया नहीं क्यों भला आज बड़ी हवेली से खाकर आए हैं ओ हाँ 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 आज उनकी वहाँ दावत थी मैं जरा हाल चाल पूछ कर आता हूँ
चादर निर्धन की बलम नहीं जाने निकालो से बस जल्दी करो जल्दी करो तुम्हारा काम हो जाएगा अपना ही बच्चा है अरे कैसे आ रहा हूं मुंशी जी फायदे की खबर लाया हूं सूद पर रुपया लगाओगी कैसी बातें करते हैं आप भी अरे भाई किस्सा ये है एक गरीब कुछ जेवर निकालना चाहता है जिसके लिए लाया था वो तो चल बसी अब वो बीमार है नेकी की नेकी और फायदे का फायदा मैंने सोचा भतीजे के पास ले चलो चार पैसे कमा लेगा मैं क्या करूंगा जेवर खरीद के न मेरे बीवी है न मेरे बच्चे मुंशी जी जेवर कितने में बेचेगा मैं तो पहले ही कहता था भतीजा मेरी बात कभी नहीं डालेगा मैं इनकी कीमत पूछ रहा हूँ पहले जेवर तो देख लो देखो ये चूड़ी ये मांग का टीका ये बुंदे वो बेचारा तो चार सह में बनवा कर लाया था मगर मैंने कहा ये बात झूठी अब तो इसके ढाई मिलेंगे ढाई ये बात गलत है मुंशी अगर 400 का जेवर है तो उसे 400 रुपया ही मिलना चाहिए ना गरीब को लूटने की कोशिश न करो मुंशी जी एक दिन सभी को मरना है अच्छी बातें करते करते ये क्या इंसेंट बकने लगे जीने की बात करो लाल जीने की ये ले लेता सर जियो बादशाह भैया अरे हाँ भाई मैं तो भूल ही गया था लड़का 150 से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था मैंने कहा 200 निकाल दो अब दोनों भाई हिस्सा बांट लें मेरे कान में तो कुछ 400 की भनक आई थी भैया नहीं अरे कान का मायल निकाला कर लड़का कह रहा था कि 4 दिन के बाद खरीदूंगा मैंने आज ही सौदा खत्म कर लिया हाँ जी ये एक तेरा और ये एक मेरा कुछ 400 के जेवर 100 रुपए में बहा दिए मुंशी जी बहा दिए अरे किस्मत अच्छी थी जो ग्राहक मिल गया आजकल सोने को पूछता कौन है बेला इधर मुझे बुलाया क्यों गांव में कोई और बेला भी है हुँ? अपने दिल से पूछो ए पगली तुझे क्या हो गया तू कुछ बदली बदली सी नजर आती बेला तो वही है तुम बदलते जा रहे हो इसमें तुम्हारा कसूर नहीं बाबू लोगों की जाति ऐसी होती मैं समझ गया कल जो सरकार का खाना वापस कर दिया गया था ये उसी बात की नाराजगी है ना अच्छा मैं भी चीजें वापस किए देता हूँ चीजें हाँ कैसी चीजें अपनी पसंद के कुछ गहने लाया था लेकिन तुम नाराज हो लौटाई लेकिन मैं गहनों से थोड़ी नाराज हूँ देखो तो सही दिखाओ ना दिखाओ 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 अच्छा हाथ बंद करो हो क्या हाथ बंद करो देख बेला अगर तुमने देखा ना तो पिटेगी अरे सर नीचे गए ये भी मेरे लिए और ये अरे बाबूजी बापू बापू ओ तोबा ओ हो तू अरे ये तू कहां से उठा लाई है बाबूजी ने दिया है बापू बाबूजी ने
इतना धन गरीब को भगवान भी नहीं देते, तो जरूर कहीं से उठाकर लाई है। बापू मैं अभी जाकर बाबूजी से पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ। बाबूजी, वो बेला को, वो जेवर मैंने ही बेला को दिए थे काका, यही पूछने आए थे ना। हाँ बाबूजी, देना था तो एक चांदी का छल्ला ही दे दिया होता, इतना बड़ा इनाम उसकी हैसियत से ज्यादा है, उसे वापस ले लीजिए। वो वापस लेने के लिए नहीं दिए गए थे काका, वो मैं बेला के ब्याह के लिए लाया। ब्याह के लिए? हाँ, तुम्हें तो कहा था ना काका कि मैं बेला की शादी कर देना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि बेला की शादी बड़ी धूमधाम से और वो जल्द से जल्द दुल्हन बन जाए। बाबूजी, बेला के लिए आप देवता बनकर आए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाबूजी, बापू अभी क्या कहने आए थे? नहीं बताते जी, बताओ ना बाबूजी। तुमसे सुना नहीं जाएगा जी। क्यों, ऐसी कौन सी बात? बात तो कुछ ऐसी है, फिर जब तुम मेरे सामने आया करोगी ना, तो शर्म के मारे छुप जाएगा। वाह, मैंने कोई चोरी थोड़ी की है जो शर्माऊंगी, और तुम कहीं के थानेदार थोड़ी हो। बताओ क्यों शर्माएगी तुम्हें, बताओ। छोड़ बाबुल का घर मोह पी के नगर, आज जाना पड़ा।
बनाया जा रहा है? मैं पूछ रही हूँ ये क्या बनाया जा रहा है? ये ताजमहल बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें तुर्बत किसकी बनेगी? इसमें तुर्बत नहीं मोहब्बत रहेगी। क्या मैं देख सकती हूँ? मोहब्बत का ताजमहल वक्त से पहले नहीं देखा जा सकता। अच्छी बात है, तो फिर तशरीफ का टोकरा ले चलिए। कुछ माफी की गुंजाइश हो सकती? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? तो चलिए। सुनो, दरवाजे में कोई मजबूत सा ताला लगवा दो। मैंने कहा किसी का कुछ लेकर तो नहीं भागा है? मुंशी को सब चोर ही समझते हैं। अरे भाई, एक मुखिया के कुछ जेवर सस्ते दामों बिकवा दिए हैं, और ये है अपना हिस्सा। मैंने कहा कि जेवर सस्ते थे तो अपने टुनटुन के लिए क्यों नहीं ले आए? भगवान रखे कल को वो भी तो ब्याह जाएगी। मुंशी को कच्ची गोलियां नहीं खेला, वो जेवर इसी घर में आएंगे और मेरी टुनटुन ही पहने। अच्छा, टुनटुन कहाँ है? देख मैं टुनटुन के लिए कितनी ऐसी चुनरी निकाल। हाय हाय, यहाँ देखो गिरी पड़ती हो, अब उठोगी? टुनटुन, ओ बिटिया टुनटुन। मार डाला महूस ने। आहा, क्या हुआ? इसी दिन के लिए कहता था कि लड़की को सेंडो ना बनाओ, आज मुझे पटका है, कल तुम्हें उठा फेंकेगी। गुस्सा ना करो, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मनहूस, अब उठो भी, जान देखो गिरे पड़ते हो। चलो। ये मेरा कमरा है, तशरीफ रखिए। बहुत ही आरामदेह कमरा है। मगर आपको ताज्जुब होगा, यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ, आराम नहीं रहता। मालूम होता आपके दिल में कोई तूफान छुपा हुआ। मैंने जब से आपका गाना सुना है, दिल में तरह तरह के तूफान उठ रहे हैं। जी चाहता है आपसे आपका गाना छीन लूं, जी चाहता है तो मैं सराकर खुद भी एक गीत बन जाऊं। काश ये मुमकिन होता। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन है। मैंने बहुत कोशिश की मगर गाना ना आया। आप होठों से गाना चाहती हैं, गाना हमेशा दिल से होता है। दिल के तारों को हिलाइए, रात में खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। ये तार कैसे हिलेंगे? जब दिल में दर्द पैदा होगा। आई आई, मैं गीत छेड़ता हूँ, आप राग मिलाइए। मैं आपके साथ गा सकूंगी? कोशिश कीजिए, सहारे के लिए मैं मौजूद हूँ। किसी का मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का।
अफसाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो हाय ना पूछो पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो हाय ना पूछो दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का दम भर मेरा बन गया अफसाना किसी का मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू आँखों में आंसू हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू आँखों में आंसू भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का भरते मेरा बन गया अफसाना किसी का मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का अब इजाजत दीजिए क्या ये क्या आज की याद प्रेम देवता की भेंट है कहीं खो ना दीजिएगा आज की रात कितनी सुहानी है लेकिन हर सुहानी रात का अंजाम सुहाना नहीं होता मैंने आपको पाकर बहुत कुछ पा लिया है आपसे मिलने के बाद मैं भी आपका ही हो गया मुझ में ऐसी कौन सी चीज है भला आप लिबास बहुत अच्छा पहनती हैं बस हाँ बस शुक्रिया आप मुझे पगली ही समझते रहेंगे आधी आधी रात तक खड़ी इंतजार जो करती रहती चल अभी आई अच्छा अभी आई आज की यादगार प्रेम देवता की भेंट है कहीं खो ना दीजिएगा मैं अंदर आ सकती अरे ये क्या बहरू भरा तू मैंने सोचा तुम्हें ये पहरावा अच्छा मालूम होता है क्या मैं इस लिबास में उषा रानी से बुरी मालूम होती हूँ अरे तू आप हंसते क्यों हैं यही पहनकर तो उषा भी आती है पगली तू उन्हीं ढीले ढाले कपड़ों में अच्छी लगती है हाँ
अच्छा ये बताओ तुम आज वहां फिर क्यों गए थे? बेला आपसे मैं रोज वहां जाया करूंगा। मैं उषा देवी को गाना सिखाता हूँ। तुम मुझे गाना नहीं सिखाओगे? तुम्हारे गीत वही गा सकती हैं, मैं नहीं गा सकती। मैं गाना सिखाने से पहले परीक्षा लिया करता हूँ, जानती है? मेरी सहेलियाँ कहती हैं। क्या कहती हैं? कि मेरे गले में रागनी का बसेरा है। तेरे गले में? सच कहती है ना? मुझे क्या मालूम, पर देखूं तो सही कि तू गाती कैसा गाना। जादू भरे नैनों में जादू भरे, जादू भरे नैनों में डोल जिया तेरी कसम। दिल है तेरा दीवाना, दिल है तेरा, दिल है तेरा दीवाना, बोल पिया तेरी कसम। वाकई रागनी का बसेरा। ये क्या है? ये टाई का पिन है बेला। ये पिन में कौन से महाराज बैठे? क्यूपिड महाराज। क्यूपिड? क्यूपिड नहीं, क्यूपिड। ये प्रेम के देवता। प्रेम के देवता तो कन्हैया जी हैं। देवता एक ही है, रूप अलग अलग है। अब जरा आप तशरीफ ले जाइए, जाके सो जाइए। बेटा उषा, पटने से बाबू गंगा प्रसाद का खत आया है, वो विनोद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगते हैं। अभी रहने दीजिए पिताजी, पहले मुझे संगीत सीखना है। मैं आ सकता हूँ? ओहो, अरे आप तो बैठ भी सकते हैं। टुनटुन की माँ ने भेजा है, कहा तुम्हारा खाली हाथ जाना ठीक नहीं। मैंने भी सोचा, औरत पागल सही मगर बात पते की कहती है। तुलसी, ये बाबूजी के कमरे में आपने सब तकलीफ क्यों की? अरे कमाल करते हो, दुनिया का दस्तूर भी देखना चाहिए। आज तुम्हारी रोटी भी वही है। लेकिन कुछ नहीं, मुंशी लेने आया है और लेकर ही जाएगा, नहीं तो टुनटुन की माँ कहेगी भतीजे ने इतनी बात भी ना मानी तुम्हारी। लो घड़ी नबी 5 बजा दी, चलो। अरे हाँ, चले चलो।
समझोगे? कलेजा हौल खा रहा है, मरता हूँ। हे भगवान, इस बूढ़े बकरे से पीछा छुड़ा दे, मैं ऐसी सुहागन से विधवा भली। ए आहिस्ता बोल भतीजा, आ गया। मैं तंग आ गई हूँ तेरे भाई भतीजों से, ना मरते हैं ना पीछा छोड़ते हैं, काटे जा रहे हैं मुझे। अशोक बाबू जी, क्या बात? अब कुछ भी नहीं, टुनटुन की माँ बड़ी हंसमुख है, मजाकी मजाक में मेरा टेटुआ पकड़ लिया था। और तो सब खैरियत? बिल्कुल खैरियत है, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। दुआएं कह रही हैं आपको। मैं हाँ। अंदर चलिए, बुला रही हैं। अरे किस बात बुलवाई को बुला रहा है, वो दोनों तो फिर तोड़ दूंगी। आ गई, संभालिए अशोक बाबू। अरे तुम हो बेटा, मैं समझी थी अपने भाई भतीजों को बुला रहा है। चलो अंदर, चलो चलो चलो। अरे चलो बेटा, बैठो बैठो बेटा, अब तो ये भी तुम्हारा ही घर है। टुनटुन, अरे ओ बेटा टुनटुन, अरे जल्दी आओ। अजीब लड़की है, फूल की पंखड़ी से ज्यादा नाजुक। परसों केले के छिलके पर पैर आ गया, दो रोज तक जुकाम रहा। अरे दिन रात अशोक बाबू की माला जपती थी, अब बात क्यों नहीं करती? अच्छी तरह समझा दिया है ना, कहीं कुछ करना बैठे। कुछ नहीं करेगी, दखल लिया। चलो चलो, हम नाश्ता पानी के इंतजाम करें। चलो चलो, चलो। घबराइए नहीं अशोक बाबू, सब कुछ ठीक, कुछ नहीं होगा। अरे चलो मुंशी। ओ मुंशी, कहाँ जाता है, बैठना। वो मुंशी जी क्यों चले गए? मेरे और तेरे लिए। सुना है तेरे को गाना बड़े मजे मजे का आता है। आता था, लेकिन अब तो मैं सब कुछ भूल गया। आपको भी तो गाना आता होगा। मेरे को गाने आने का नहीं, बस इसका शौक है। देख देख, एकदम पत्थर है पत्थर। पंजा लड़ाएगा, डरता है क्यों? हाँ नहीं नहीं, देखिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, बेटे छोड़ दीजिए। मुंशी, ओ मुंशी, लड़का लड़की आपस में खेल रहे हैं। जी हाँ, मत। क्या भूत आ जाता है, तुम परे हटो। मुंशी मुंशी, हेल्प हेल्प हेल्प। तू मेरे से भागना चाहता है मुंशी जी? बैठ बैठ मुंशी जी, बोल दूंगा मुंशी जी। मेरे को मस्ती करने में बड़ा मजा आता है। इसको भी भगा दिया, पांच असामियों को फांस फांस कर ला चुका हूँ। ये दुर्भागनी सबको भगा देती है। दूर हमन हो तेरे भाग में। चंपा, मेरा दिल हौल खा रहा है। मैं कुछ दिनों से एक सपना देखती हूँ। एक घोड़े सवार आता है और कहता है, साजन खड़े हैं द्वार, डोले में हो जा सवार। मैं सवार तो देखती हूँ, मगर डोला दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है चंपा? उड़ने वाले पंछी का क्या भरोसा? नहीं, वो ऐसे नहीं है। मर्दों की जात बड़ी बेवफा होती है रानी, कहीं धोखा ना खा बैठे, मुझे इसका डर है। वो मुझे धोखा नहीं देंगे, वो बेला के सिवा किसी के नहीं हो सकते। जरा देखिए ये बहार के सरगम पर नाचती हुई डालियां, ये पत्थर के सीने से उबलता हुआ झरना,
ये प्रेम की समाधि में खोए हुए दरख्त, ये मौजों की माला बनाती हुई नदी, ये अरमानों के मोती बरसाते हुए बादल, ये किनारों से मिलने के लिए तड़पती हुई लहरें, और ये हम और ये तुम। आप तो बात काट देते हैं। मेरा कहना था ये चीजें आप जैसे कलाकारों के लिए बहुत जरूरी है। कलाकारों की कौन बात करता? देख रहे हैं आप, इन मौजों की किस्मत में तड़पना ही लिखा है। इन मौजों के तड़पने पर न जाइए, दुनिया की हर चीज किसी न किसी के लिए तड़प रही। जी चाहता है आज खूब गाऊं। कैसे गाएं? सांस तो आपके पास है। आपने कहा था ना, गाना दिल से होता है। आज मैं दिल के तारों पर गाऊंगी। नदिया में उठा है सोचाई है घटा घन घोर, जाना दूर है। नए जमाने नए तराने लेके जवानी आई, सुन सुन जिसको नाच उठे दिल, सुन सुन जिसको नाच उठे दिल, ऐसी कहानी लाई शाम सुहानी आई। चिंग चोला चिंग चोला चिंग चोलाई सो तंबा सो ता सूरज धूप सुनहरी, आज का मौसम याद रहेगा, आज का मौसम याद रहेगा। तोहफा देना चाहता। क्या है वो तोहफा? शायर का दिल, मेरी जिंदगी भर की पूंजी। तो दीजिए ना, मैं उसे अपने दिल से लगा कर रखूंगी। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद, बंद रखिए, हाथ लाइए, देख लीजिए ना, मोहब्बत में जीना मोहब्बत में मरना
ना आंसू बहाना ना फरियाद करना। मैंने आज जाना कि आप इतने अच्छे कवि भी हैं। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसे एक तोहफा समझ कर कबूल कीजिए। मैंने भी आपको एक तोहफा दिया था। अब दिया था? नहीं दिया था। दिया तो था। कहाँ है वो? वो खो दिया ना आपने प्रेम देवता को। नहीं खोया हुआ तो नहीं, मैं झूठे। मैंने तुम्हें छुपा कर अपने पास रख लिया है। तुम्हारी जगह यहाँ मेरे दिल, तुम मेरे। मालूम होता है हम और आप साज और आवाज बनते जा रहे हैं। साज से आवाज जुदा तो ना होगी? जब तक कोई साज को ना तोड़े आवाज का जुदा होना मुश्किल है। सच? पहले अशोक अपना था, अब सिर्फ आपका। मर्दों की साज बड़ी बेवफा होती है रानी, कहीं को ना खा बैठे, मुझे इसका डर है। मैं जाती हूँ। मरना चाहती है? हाँ मैं मरना ही चाहती हूँ। मरने के लिए बहुत से रास्ते हैं, मुझे क्यों बदनाम करने आई? मैं आप ही के हाथ से मरना चाहती हूँ। वजह? ये बातें रास्ते पे नहीं होती मालकन। अच्छी बात है, गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं नहीं यहाँ कुर्सी पे बैठो। कुर्सी गरीबों के लिए नहीं है मालकिन, मैं यहीं अच्छी लगती। क्या कहना चाहती हो तुम? आपके पिता गांव भर का इंसाफ करते हैं, आप उन्हीं की बेटी हैं, मैं आपसे इंसाफ मांगने आई हूँ। कैसा इंसाफ? अगर कोई औरत होकर औरत के कलेजे में छुरा मारने की कोशिश करे तो उसके लिए क्या सजा है? हाथ तोड़ देना चाहिए। तो ऐसा करने में आप मेरी मदद करेंगी? जरूर। मुजरिम का नाम सुनकर आप अपना फैसला तो ना बदल देंगे? हरगिज नहीं। तो क्षमा कीजिए मालकिन, वो मुजरिम आप ही है, आप ही ने मेरे आदमी को बस में कर लिया। मैंने तुम्हारे आदमी को बस में कर लिया है? कौन है वो? अशोक बाबू। अशोक बाबू? नहीं नहीं। क्या सोच रही हो मालकिन? क्या सोच रही हो मालकिन? क्या सोच रही हो मालकिन? क्या सोच रही हो? मैं नाम और दौलत के सहारे अच्छे से अच्छा पति मिल जाएगा, मेरी किस्मत में एक ही हीरा आया है, वो भी तुमने छीन लिया तो जिंदगी भर दामन खाली रह जाएगा। रानी होकर भिखारन की दुनिया ना उजाड़ो, एक बार ये साबित कर दो कि तुम्हारे सीने में भी औरत का दिल है, तुम्हारे सीने में भी औरत का दिल है। बेला इतना बता दे क्या वो भी तुझसे प्यार करते हैं?
हाँ मालकिन, बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे लिए चूड़ियां लाए हैं, बुंदे लाए हैं, मांग का टीका लाए हैं और मेरे बापू से मेरी शादी की बात भी कर चुके। भगवान के लिए आप मेरी दुनिया से हट जाइए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जिसे बर्बाद होना था हो चुकी, जो आज मैं तुम्हारे सामने से हंस गई। अब वो मेरे सामने कभी ना आ सकेंगे, अब वो मेरे सामने कभी ना आ सकेंगे, कभी ना आ सकेंगे। रानी, रानी भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे मालकिन, भगवान तुम्हारा भला करे। आग लग गई, घर जल गया। उषा जी, बाबू गंगा प्रसाद ने एक खत फिर लिखा है। वो तुम्हारे रिश्ते के लिए बहुत बेचैन है। अब तुम्हें बताओ कि मैं क्या जवाब दूं। अब आप लिख दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूं। शाबाश बेटा, शाबाश। मैं अभी खत लिखता हूं। मुंशी जी, मुंशी जी,
जी जी उषा शादी के लिए तैयार है। मैं हूँ। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। कपड़े वालों को बुलवाओ, जेवरात के लिए ऑर्डर दो, पाजी और गैस और पत्ती के लिए प्याने भिजवा दो। सब हो जाएगा हुजूर, सब हो जाएगा। उषा देवी, अशोक बाबू आए हैं। उनसे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं गाना नहीं सीखूंगी। आज आप जाइए, उषा देवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गाना नहीं सीखेंगी। बाबूजी, आज मेरा नाचने को जी चाहता। उषा देवी आज भी आपसे नहीं मिलेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी, जा अपना काम कर दिया। आस न टूटे भगवान। अब आप यहाँ आने की तकलीफ न करें, उषा बिटिया आपसे नहीं मिल सकती। इसकी वजह? उन्होंने कहा है मैं आपका गीत न गा सकूंगी, आपका संगीत बहुत मुश्किल है, अब आप जाइए। वो मेरे गीत न गा सकेंगे, मेरा संगीत बहुत मुश्किल है। अच्छा उनसे मेरा प्रणाम कहना। क्या बात? अशोक बाबू क्या हुआ? कुछ नहीं, चलते चलते ठोकर लग गई। बेटा देख कर चला करो, दुनिया में ठोकरें बहुत हैं। मेरे साथ आओ। आज तुम इतने परेशान क्यों दिखाई देते हो? हाँ? कुछ नहीं ऐसी तरह। आप क्या कहना चाहते हैं? आओ। बैठो। बात यह है अशोक कि मैं अब उषा को सुहागन देखना चाहता हूं। संजोग की बात है कि लड़का भी घर ही में मौजूद है। जी मेरा मतलब है कि इधर उधर दौड़ने की क्या जरूरत है, समझोगे? मैं आपका मतलब नहीं समझा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे भाई तुम मेरे दोस्त के लड़के हो, तुम मेरे ही लड़के हुए ना। लेकिन कुछ नहीं, विनोद बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे एक दोस्त का लड़का है, हालग्राम में तुमने भी तो देखा था। मैंने तय किया है कि उषा का हाथ उसी के हाथ में दे दूं। मालूम होता है कहीं बिजली गिरी। किस सोच में पड़ गया अशोक? जी कुछ नहीं, बिजली गिर गई। अरे हाँ बिजली तो गिर गई। मैं ये कह रहा था कि मैं अकेला घबरा जाऊंगा। बारात की देखभाल, बारातियों के खाने पीने का इंतजाम, ये सब तुम्ही को करना है। इत्मीनान रखिए मैं आपके हुक्म से बाहर नहीं रहूंगा। बस जब तो बड़ा ही मजा आएगा। विनोद बड़ा हसमुख लड़का है, कहता था पप्पा सूट पहनो। और एक दिन कहने लगा कि उषा को पेरिस ले जाऊंगा, पेरिस। Thank you.
अशोक बाबू गाड़ी के नीचे आ गए। क्या कह रहे हो? गांव वालों ने अस्पताल भी नहीं ले जाने दिया। बिटिया, बिटिया, अशोक बाबू गाड़ी के नीचे आ गए। अशोक बाबू, नहीं, नहीं। भगवान, ये गरीबों का सहारा है, इसे हमसे न छीनना। भगवान के लिए आप मेरी दुनिया से हट जाइए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बाबूजी को क्या हो गया? ये आंखें क्यों नहीं खोलते भगवान? क्या हुआ बिटिया? क्या अशोक बाबू को देखने नहीं जाओ? नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। बाबूजी, बाबूजी। शोर न कर बेला, दिल से पुकार उसको। वो हमारी पुकार नहीं सुनता बाबू, वो गरीबों की पुकार नहीं सुनता। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोगों ने मुझे खबर तक ना दी। हटो, मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा। नहीं मालिक, हम अपने आप को बेच देंगे मगर ऐसे मौके पर इन्हें पराए घर में ना जाने देंगे। तुम लोगों से इलाज ना हो सकेगा, मुझे ले जाने दो। अब आप तकलीफ ना करें, जो कुछ होना है यही होगा। अगर तुम लोगों की यही जिद है तो इलाज के लिए कुछ रुपया रख लो। इसकी जरूरत नहीं मालिक, 20 बरस की नौकरी में सिर्फ 2 ही 20 ही रुपया जमा किया था। सोचा था बेला की शादी करूंगा, मगर चाहे बेला अब कुंवारी बैठी रहे, मैं वही रुपया बाबूजी पर कुर्बान कर दूंगा। जो कुछ भी बस में है कर गुजरो बापू, नहीं तो लोभा होते हैं। मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। क्या जरूरत है? वैद्य जी ने ये दवा दी है, बाबूजी अच्छे हो जाएंगे। हाँ बाबू, अब बाबूजी अच्छे हो जाएंगे, जरूर अच्छे हो जाएंगे। किसी के
संभालकर अब क्या लेने आई हो? आज कुछ देने आई हूँ मालकन, अपना दान वापस ले लीजिए, वो मेरे नहीं। क्या? मैंने ये ना सोचा था कि चांद आकाशी के लिए पैदा हुआ, धरती के लिए नहीं। अशोक बाबू के दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, वहां सिर्फ आप ही रह सकती हैं, वो आप ही की दुनिया है। तूने तो कहा था। मैंने झूठ कहा था, मैंने झूठ कहा था, मैं उन्हें समझ न सकी थी। अपने बीमार को चलकर बचा लीजिए, वो आपकी सेवा किसी के नहीं हो सकते, वो आपकी सेवा किसी के। अशोक बाबू को चोट मेरे कारण आई है, मगर उनकी जान आप ले रहे हैं। वो अगर मुझे एक बार भी पुकारते तो मैं अपने जीवन की तमाम मुस्कुराहटें लेकर उनके चरणों में खड़ी हो जाती, मगर वो आप ही को पुकारते, वो आप ही को देखना चाहते हैं। उनकी सेवा मेरे बस में है, उनका जीवन मेरे बस में नहीं। ये जेवरात का बादशाह है। ये सरकार कपड़ों की राजकुमारी। जरूर इसे मुलायजा कीजिए, इसमें सुख का रंग और स्वाद की गुलकारी। और सरकार इधर मुलायजा, इसका हर मोती चांद और सितारों पर भारी। शाबाश, जैसा वादा किया था वैसा ही सामान लाए हो, बाकी चीजें भी बहुत जल्द हाजिर करो, लगन में सिर्फ चार दिन बाकी रह गए। उषा देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सामान मंगवाया है, ये कामदानी, ये कारचोब और ये मोतियों का हार। ये शादी रुक नहीं सकती पिताजी, चार दिन बारात को रह गए हैं और आज तुम। गलत नहीं कहती हूँ, ये शादी रोक दीजिए, भगवान के लिए शादी रोक दीजिए, ये मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। शादी रोक दीजिए, ये सामान क्यों मंगवाया था? चीजों की क्या जरूरत थी? इन चीजों की क्या जरूरत थी? ये क्या कर रहे हैं सरकार? चिट्ठियां जा चुकी, मेहमान आने वाले हैं, वो कहती है शादी रोक दीजिए। सरकार ये क्या कर रहे हैं सरकार? कुछ सुना तुमने? वो कहती है बुजुर्गों के नाम और खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दीजिए। ये कैसे हो सकता है मुंशी जी, ये कैसे हो सकता है? घबराने से कुछ नहीं होगा सरकार, हम लोग जाकर समझाते हैं, बिटिया जरूर मान जाएगी। मान जा बिटिया, ये खानदान की इज्जत का सवाल है, बड़े सरकार पागल हो जाएगी। बूढ़े बाप की लाज रख लो बेटा, हवेली की इज्जत चली जाएगी, मधुबन का रोग जाता रहेगा। सरकार आ गए मायूस होकर, मैं पहले ही कहता था वो किसी की ना मानेगी, अब इस रुसवाई से बचने की कोई सूरत नहीं है मुंशी जी, कोई सूरत नहीं। एक सूरत है सरकार, अशोक बाबू भी तो घड़ी के आदमी हैं, उषा रानी उनकी बहुत इज्जत करती है, मेरा ख्याल है अगर वो आकर समझा दें तो जरूर मान जाएंगे। मगर वो बेचारा तो बीमार पड़ा हुआ है। चार पाई पर उठा लाएंगे हुजूर, वैसे अब उनकी तबीयत भी तो ठीक हो चुकी है। बेटा अशोक, कैसी तबीयत है अशोक बाबू? अच्छा बेटा, मैं आज एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं तुम्हारे पास। उम्मीद लेकर आए हैं? चार दिन उषा की लगन को रह गए हैं और आज वो शादी से इनकार कर रही है।
अगर आई हुई बारात दरवाजे से लौट गई तो लोग कहेंगे लड़की में जरूर कोई ऐब था। अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे जिंदा ना देख पाओगे। ये खानदान की इज्जत का सवाल है। ये खानदान की इज्जत का सवाल है। हाँ, ये खानदान की इज्जत का सवाल है। क्या सोच रहे हो बेटा? अगर आज तुम्हारे पिता होते तो मेरे आंसुओं को अपनी आंखों में ले लेते। अगर तुम्हारे सामने मेरी पगड़ी उतर गई तो लोग क्या कहेंगे? ये मेरी नहीं, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मेरी मदद करो बेटा, मेरी इज्जत बचा लो। आप क्या चाहते हैं? मुझे समझाओ बेटा। बारात दरवाजे से न लौटे इसके सिवा मैं और कुछ नहीं चाहता। आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। बारात वापस नहीं लौटेगी। अशोक बाबू, आप कैसे आना हुआ? मैंने आपको समझने में भूल की थी, माफी मांगने आई हूं। आप ही ने दिल का महल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा भी दिया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया? इसे तकदीर का खेल समझी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। आग लगा सकती हूँ, वजह नहीं बता सकती। वापस चली जाइए, वापस चली जाइए। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। पिताजी ने मेरी शादी कह सकती है, इससे पहले कि आप घर मेरे दरमियान कभी ना हटने वाली दीवार खड़ी हो जाए। चलिए कहीं भाग चले। यह आपने कोई नई बात नहीं। आजकल की लड़कियां जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती हैं, मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अगर आपको प्यार का दावा है तो आज आपको इसका सबूत देना होगा। आप कहें तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि जानबूझ कर कुएं में गिर जाइए, आपकी खुशी के लिए मैं ये भी कर गुजरूंगी। तो अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं तो जहाँ आपके पिताजी कहते हैं वहीं अपनी शादी कर लीजिए। अशोक बाबू, ऐसा न कहिए। अशोक बाबू, ऐसा न कहिए। अशोक को पहचानने की कोशिश कीजिए। उसने आपके सिवा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की और न कभी करेगा। मुझे डोले में जाते देख आपके आंसू न निकल आए। मैं इसी तरह हंसता रहूंगा और हंसते हुए आपको डोले में बिठा। अब आप चाहिए को। खबर नहीं दिल खाक हो
बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमन, जिस डाल पर किया था बसेरा वो जल गई, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। बेटा अशोक, सुबह से भाग दौड़ में लगे हो, मैंने कहा नाश्ता तो करो। कर लूं मैं, पहले ये सब इंतजाम ठीक कर। मुंशी जी कहां चले गए? ना जाने मुंशी जी कहां चले गए, पता नहीं साहब। ये क्या, पागल तो नहीं हो गए? सब घर पागल, सब घर पागल, सब घर वैसी, दीवाना मैं तो शीरी का हूँ, दीवाना मैं तो शीरी का हूँ, दीवाना मैं तो शीरी का हूँ, दीवाना। शंभू जी, इनके दिमाग में भी लड़की का असर पड़ गया, इनको ले जाओ यहाँ से, ना जानेंगे आज क्या कर गुजरेंगे। अच्छा, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। मैं तो शीरी का हूँ दीवाना, मैं तो शीरी का हूँ दीवाना। मुबारक हो रानी, बारात तो बड़ी शानदार है। अरे वाह, दूल्हा तो इससे भी ज्यादा जोरदार होगा। आप लोगों को किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं, आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। आपकी तारीफ। हाँ, ये उन्हें गाना सिखाते थे, बहुत अच्छा गाते हैं। सूरत भी अच्छी पाई है, न जाने कहाँ कहाँ जादू किया होगा। हाँ तो भाई साहब, कोई गाना सुनाइए। माफ कीजिएगा, आज मैं नहीं गा सकूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अजी, खुशी का नगमा ना आते ही गम का राग ही छेड़ दीजिए। मेरा मतलब यह है, आज से अच्छा मौका फिर कब आएगा? ये तो सच कहा, आज से अच्छा मौका और कब आएगा? अजी, देर किस बात की है, कुछ रहे क्या गाऊं? अजी, किसी से मोहब्बत अब्बत तो जरूर की होगी, कुछ वही सुनाइए। क्या मोहब्बत की जाती है? मैंने सुना हो जाती है। अशोक बाबू, आप इनकी बातों का बुरा ना मानिए, ये तो पागल है। हाँ, मगर गाने के लिए मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ, उम्मीद है कि आप मेरी इल्तिजा को न ठुकराएंगे। अच्छी बात है। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया लो, खत्म कहानी हो गई लो, खत्म कहानी हो गई। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया लो, खत्म कहानी हो गई लो, खत्म कहानी हो गई। किस्मत ने किए वो दिल पे सितम, दो चाहने वाले मिल न सके। किस्मत ने किए वो दिल पे सितम, दो चाहने वाले मिल न सके। कहने को बात
बहार आई थी मगर दो फूल खुशी के खिलना सके। कहने को बहार आई थी मगर दो फूल खुशी के खिलना सके। अरमान का गुलशन उजड़ गया बर्बाद, जवानी हो गई लो खत्म कहानी हो गई। दिल दे के यहाँ सब हार गए, दुनिया में किसी की जीत कहाँ। दिल दे के यहाँ सब हार गए, दुनिया में किसी की जीत कहाँ। होठों पे है शिकवे किस्मत के, वो प्यार भरे अब गीत कहाँ। होठों पे है शिकवे किस्मत के, वो प्यार भरे अब गीत कहाँ। जब खेल ही दिल का बिगड़ गया, हर बात पुरानी हो गई लो खत्म कहानी हो गई। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया लो खत्म कहानी हो गई लो खत्म कहानी हो गई। क्या मालकन को सर? इसे भी लेते जाइए, मैं आपका तोहफा वापस कर रही हूँ, मगर आपने मेरा तोहफा खो। मोहब्बत में जीना, मोहब्बत में मरना, ना आंसू बहाना ना फरियाद करना, ये कविता आपने लिखी है ना? जी हाँ, कविता कल लिखी थी और माने आज समझ में आया। आज इसके दिन अपनी निगाह में बहुत ज्यादा है, इसलिए कि कर्तव्य सिर्फ एक कर्तव्य और आज ही कुचड़े हुए दिल की दास्तान से मैंने आपके कहने पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। लेकिन जानती मेरे बाद आपका क्या हाल होगा? आपने आंसू रोक लिए लेकिन दिल के तूफान को ना रोक सकेंगे। मेरी इल्तजा है कि मुझे रुखसत करने के बाद आप भी अपनी शादी कर लें। जी हाँ, मैंने लड़की भी देखी, उसके नन्हे से दिल में आपके लिए मोहब्बत का संबंध छुपा हुआ। अब ऐसा कौन? आप बेला को भूल रहे हैं। याद कर रहे? उसकी फितरत में शरारत है, मोहब्बत में। गरीबों की मोहब्बत पहचानने की जाने, अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बेला से शादी कर लीजिए। आप तो क्यों हो गए? जब तक वादा न करें मैं डोले में न बैठूंगी। कोशिश करूंगा कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। का घर वो है पी के ना घर, आज जाना
अरे तुम यहाँ छुप के बैठी, बारात देखे नहीं जाई? गई थी, वहाँ वो है। अरे वो कौन? तू नहीं जानती बाबले? अब मैं उनका नाम नहीं ले सकती। जा रही है, अब वो आएंगे, वो बापू को अपना पैगाम देंगे, उसके बाद इसी तरह मेरे घर भी बाजे बजेंगे, इसी तरह मैं भी दुल्हन बनूंगी, और इसी तरह वो एक बार आज जा रही है और दूसरी आने वाली है, एक दुल्हन ससुराल चली और दूसरी जाने वाली है। बेला, ये क्या हो गया है मेरी बच्ची? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ? बाबूजी को बुलाओ। भगवान जाने वो आएंगे भी या नहीं। बेला, आप आ गए। हाँ मैं आ गया। इसे क्या हो गया है बाबूजी? आपने तो कहा था बेला को धूमधाम से ब्याहूंगा, अपना फर्ज पूरा कीजिए, इसे वैसी ही दुल्हन बनाइए जैसी आपने कहा था। मैं इसे वैसी ही दुल्हन बनाऊंगा। तुम जाकर वेद को बुला लो, जाओ जल्दी जाओ। जी चाहता है अच्छे अच्छे कहने पहनो, आप ही तो लाए थे मेरे लिए, भूल तो नहीं गए? तो आज वो जेवर अपने हाथों से मुझे पहना दीजिए। अपने हाथ से मेरे बाल तो ठीक कर दीजिए। बाबू जी, जरा गौर से देखिए, मैं दुल्हन मालूम होती हूँ ना? एक कसम और है जी, यहाँ आते हुए शर्म मालूम होगी, तब आपने एक गीत भी सुनाया था। हाँ यार, बस एक बार फिर वही गीत सुना दीजिए। पड़ा हो
का गहना दुल्हन में बनी दोला आया पिया का सखी मैं चली ये था झूठा नगर इसलिए खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं जाना पड़ा